हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ध्यान ये रखना कि ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेक्चर से लेके ऑर्गेनिक के लास्ट लेक्चर तक कंटिन्यूअस वीडियो देखना, कंटिन्यूअस क्वेश्चन करना। इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, इतनी धांसु कमांड आपकी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि आप किसी को भी टीच कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपसे एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन करने की, क्वेश्चन जितने टाइम क्वेश्चन आते हैं जीओसी में, सब कुछ करने की उसमें अंदर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। मतलब कहने का है, आप दूसरों से जीओसी या सॉरी आप दूसरों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही भूल जाओगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर लगातार आपको देखते रहोगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट हैं, कहने का मतलब है इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओरिजिन से लेके लास्ट में एसिड बेस कंसेप्ट तक जाएंगे, हम लोग मैकेनिज्म तक जाएंगे कंप्लीट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, कार्बन एटम की बात करेंगे, उसके बाद नॉमेनक्लेचर में आएंगे, आइसोमेरिज्म में आएंगे, फिर हम जीओसी सेकंड थर्ड की बात करेंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। तो हेडिंग पड़ेगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Some basic concept of organic chemistry। Organic chemistry के basic concept की बात करेंगे। देखो organic chemistry इसका मतलब carbon को तो भूल ही नहीं सकते, अभी बताऊं क्यों नहीं भूल सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मतलब क्या है कि हम कार्बन को क्या है, हम तो भूल ही नहीं सकते, कार्बन की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी हर जगह। ठीक है बेटा, सबसे पहले साइंटिस्ट थे। अच्छा, सबसे पहली बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, कि हेडिंग डालेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले मैं इसकी ओल्ड डेफिनेशन बताऊंगा, फिर रिसेंटली डेफिनेशन बताऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं बेटा जो लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं। कहने का मतलब है, आपको मैंने मोल कंसेप्ट के पहले लेक्चर में भी बताया था कंपाउंड्स के टाइप में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, जैसे ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ऑयल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है, अमाइंस हो गए। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, जैसे भी लिविंग सोर्सेस हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है। लिविंग सोर्सेस का मतलब क्या हो गया, लिविंग सोर्सेस सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस सच एज प्लांट्स, एनिमल। एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया बेटा एग्जाम्पल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये सभी क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्या होते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था माय डियर, वो 1828 में जो लैब में बनाया गया था, 1828 में ओहलर ने सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, कैसा बनाया था बेटा, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया था लैब के अंदर, वो था यूरिया। कैसे बनाया था, उन्होंने अमोनियम साइनेट NH4NCO को हीट किया था, तो बेटा क्या फॉर्म हुआ था, NH2CONH2, क्या फॉर्म हुआ था, NH2CONH2 का फॉर्मेशन हुआ था बेटा। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली बनाया गया था वो कौन सा था बेटा, यूरिया था। किसने फॉर्म किया था, 1828 में किसने बनाया था, ओहलर साइंटिस्ट ने बनाया था। ये हमारा सबसे पहला आर्टिफिशियली फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात मैंने की, ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको किसने बनाया था, ओहलर ने बनाया था अमोनियम साइनेट की प्रेजेंस में, अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया गया था बेटा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके सोर्स की बात हुई।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें आता है टर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो एक चीज और समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर रिसेंट डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट होता ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, हैलोजन्स हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये भी हमारे अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये प्रेजेंट है तो ये भी क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आता है क्या CO2 हाइड्रोकार्बन है, नहीं CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो CO2 हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन है, नहीं है सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्या CCl4 हाइड्रोकार्बन है, यस सर ये हाइड्रोकार्बन है। कैसे है सर, आपने बोला सर CO2 CO नहीं क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं, आपने कह दिया ये है, रीजन क्या है बेटा, देखो होता क्या है, जो हमारा CCl4 है ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। कहने का मतलब है जब हम CH4 की रिएक्शन 4Cl2 से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CCl4 प्लस 4HCl निकल जाएंगे, मतलब ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बन रहा है। मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम जाके अटैच हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं बेटा। इतनी बात आपको क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे को इसकी बात की है, तो हम क्या अभी आपको पहले मैं हाइड्रोकार्बन बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर इसकी रिसेंट डेफिनेशन की बात करूंगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा, और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, ठीक है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, यार बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है, एक अच्छी कमांड आपके अंदर आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। जितना लोगों के अंदर डर भरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, या रिएक्शंस नहीं याद होती और इसके ऑर्डर्स नहीं याद होते, कंसेप्ट नहीं पता चलते, यार बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपके साथ आया हूं, ठीक है ना। बहुत शानदार ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कि मैकेनिज्म रिएक्शंस की बताऊंगा, आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। हेडिंग पड़ेगी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन।